वेव्स के अंदर क्या करना है, देखो वेव्स के अंदर दो चीज़ें किसी भी वेव को जनरेट करने के लिए ज़रूरी हैं, पहले इलास्टिसिटी, दूसरी इनर्शिया। टाइप ऑफ वेव में मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल, मैकेनिकल वेव में प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है, नॉन मैकेनिकल में ज़रूरत नहीं है। हम मैकेनिकल पढ़ेंगे, मैकेनिकल की प्रोपगेशन दो टाइप से है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, ठीक। नेक्स्ट है, किसी भी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव जो आगे बढ़ती है उसमें ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ है, और टोटल जो लंबाई है वेव की उसको वेवलेंथ बोलते हैं। v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल जो कि कंप्रेशन और रेडिफिक्शन की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, दोनों में एग्जैक्टली सेम है। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव में ये फॉर्मूला सॉलिड में यूज होता है, न्यूमेरिकल जिसके ऊपर कम आते हैं इसके ऊपर ज्यादा आते हैं, बहुत आते हैं। स्ट्रेच स्ट्रिंग में, खिंची हुई रस्सी में, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड ट्रांसवर्स अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू है, टी फॉर टेंशन, म्यू फॉर मास पर यूनिट लेंथ है। नेक्स्ट है, लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन में ज्यादातर स्टील रॉड में ये फॉर्मूला याद करना है, या फिर ये तो बहुत ही याद करना है, वी इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाय रो। गैसेज में या लिक्विड में ये फॉर्मूला है स्पीड ऑफ साउंड का। न्यूटन का फॉर्मूला, न्यूटन ने यही फॉर्मूला यूज किया, लेकिन जब उसने बोला कि साउंड ट्रेवल करती है तो प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल का उसने बल्क मॉडल्स निकाला, ये फॉर्मूला बल्क मॉडल्स का। आइसोथर्मल की कंडीशन लिखी, U into V का फॉर्मूला लगाया, P कांस्टेंट, V की डिफरेंशिएशन, V कांस्टेंट, P की डिफरेंशिएशन और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो। सॉल्व किया, यहां से सॉल्व करके माइनस डी पी बाई डी वी बाई वी पी आ गया, तो बल्क मॉडल्स की वैल्यू गैस का प्रेशर है, तो उसने इस बल्क मॉडल्स की जगह पी पुट कर दिया। एयर का प्रेशर उसे पता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, डेंसिटी उसको पता थी, आंसर गलत आ गया। फिर आया लैपलेस, लैपलेस ने कहा कि बल्क मॉडल्स एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक की इक्वेशन लिखी, इसको डिफ्रेंशिएट किया, पी कांस्टेंट, इसके डिफ्रेंशिएशन गामा इंटू वी की पावर गामा माइनस वन इंटू डी वी, और इसके डिफ्रेंशिएशन वी की पावर गामा इंटू डी पी और कांस्टेंट की जीरो। यहां से रीअरेंज किया, वी की पावर गामा से दोनों साइड्स को डिवाइड किया, सॉल्व करके बल्क मॉडल्स गामा पी आ गया। ऊपर की कैलकुलेशन अपना अपना मैथ है, एंड रिजल्ट याद होना चाहिए, बल्क मॉडल्स आइसोथर्मल में पी है और एडियाबैटिक में गामा पी है। दो स्टेप लिखो, बाकी सीधा ये रहा बल्क मॉडल्स डन। तो ये आ गया गामा पी, गामा एयर का उसको पता था, उसने वैल्यू डाली, तो 332.5 आंसर आया जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी है। मॉइस्चर होने से डेंसिटी कम होती है तो वेलोसिटी बढ़ती है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है। टेम्परेचर में ये फॉर्मूला याद करना है, गामा आर टी बाई एम का अंडर रूट, तो टेम्परेचर के साथ वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर है। प्रेशर का, एम्पलीट्यूड का, फ्रीक्वेंसी का कोई असर नहीं है वेलोसिटी ऑफ साउंड पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड है। नेक्स्ट है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन में कुछ नहीं करना, वेव की इक्वेशन याद करनी है, कि अगर एक प्रोग्रेसिव वेव है उसकी वेव की इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx है। अगर k का फॉर्मूला याद करना है ओमेगा बाय v है, या k का फॉर्मूला 2 पाई बाय लैम्डा है, ठीक हो गया। या फिर दूसरी इक्वेशन ये याद करनी है, एक ही बात है, a sin 2 पाई बाय लैम्डा इनटू vt माइनस x। नेक्स्ट है ये याद करना है, फेज डिफरेंस क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस होता है, ये याद करना है। जैसे अगर फेज डिफरेंस पाई बाय 2 है तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, तो फेज डिफरेंस की जगह पाई बाय 2 इस 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 4 आ जाएगा। सुपरपोजिशन ऑफ वेव की डेफिनेशन याद करनी है, आ सकती है, व्हाट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव एक्सप्लेन, जिसमें प्रोसेस बाय विच डिफरेंट ट्रेन ऑफ वेव्स ट्रेवलिंग थ्रू अ मीडियम साइमल्टेनियसली ओवरलैप विदाउट लूजिंग देयर इंडिविजुअल शेप या नेचर। तो अलग अलग किस्म की वेव्स या ट्रेन ऑफ वेव्स हैं वो मिलती हैं, और एक नई वेव जनरेट होती है आफ्टर सुपरपोजिशन, उनको मिलने के बाद ओवरलैपिंग के बाद, सच दैट जो डिस्प्लेसमेंट है किसी पार्टिकल की वो सभी वेव्स की डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम है, ये भी लिखना है, तो डेफिनेशन लिखनी है। एप्लीकेशन है, तीन एप्लीकेशन है, हम प्लस वन में स्टेशनरी और बीट्स करेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में रिजल्ट याद करना है, अगर एक क्रेस्ट जाता है फिक्स्ड एंड से वापस ट्रफ आएगा तो फेज चेंज ऑफ पाई, तो पूछेगा कितना फेज चेंज है पाई। मूवेबल एंड में क्रेस्ट जाएगा क्रेस्ट ही आएगा, ट्रफ जाएगा ट्रफ ही जाएगा, फेज चेंज ऑफ जीरो, कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट है स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव लिखनी आनी चाहिए, व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव्स
विद सेम एम्पलीट्यूड ट्रेवल इन अ सेम स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन. स्टैंडिंग वेव कब बनती है? जब दो वेव ऑपोजिटली ओवरलैप करती हैं. तो स्टेशनरी वेव्स हैं. स्टेशनरी वेव तीन केस में बनाएंगे. पहली स्ट्रिंग टाइड एट बोथ दी एंड्स, जैसे आज पेपर में आएंगे ये केसेस, दो सेट्स हैं. तो पहला वेव जाएगी ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा इनटू वीटी माइनस एक्स, टकरा के वापस आएगी, तो ये भी नेगेटिव ये भी पॉजिटिव. ओवरलैप करें, इन्हें ऐड करें, ऐड करके सीधा लिख दें एम्पलीट्यूड इसके इक्वल है. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इसके इक्वल आ गया. अब बाउंड्री कंडीशन लिखें. बाउंड्री कंडीशन में एक स्ट्रिंग है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ये यहाँ पे मूवमेंट तो होगी नहीं, तो नोड का पॉइंट है, नो डिस्प्लेसमेंट, तो वाई जीरो होगा और एक्स इज इक्वल टू एल पे भी डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगी. जब आप एक्स को इसमें जीरो पुट करेंगे, साइन जीरो जीरो है तो एम्पलीट्यूड जीरो है. जब आप एक्स की जगह एल पुट करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? मस्ट बी जीरो ही आना चाहिए. तो जब आप एल पुट करेंगे, साइन ऑफ दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो ये एंगल क्या आएगा? एन पाई. तो यहां से एल की वैल्यू आ गई. अब ये एल की वैल्यू में फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन एन इज इक्वल टू वन पुट करें तो क्या आएगा? एल इज इक्वल टू लैमडा वन बाई टू आएगा. पहला डायग्राम बिल्कुल फिक्स है, दो एंड पर नोड है और एक बीच में एंटी नोड है. लैम्डा वन किसके इक्वल है? टू एल है. न्यू वन क्या है? वी बाय लैम्डा वन है. लैम्डा वन को टू एल, तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई. स्ट्रेच स्ट्रिंग में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रूट टी बाय म्यू है. फिर आपने करना है सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन. सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में यहां पर एन की जगह टू पुट करना है, टू से टू कैंसिल, तो आपके पास लैम्डा टू. लैम्डा का मतलब होता है दो लूप्स, लैम्डा बाय टू का मतलब एक लूप. वैसे डायग्राम याद ही होना चाहिए. पहली मोड ऑफ वाइब्रेशन में एक लूप बनता है, दूसरे में दो लूप बनते हैं. डायग्राम बना देना है. न्यू टू वी बाई लैमडा टू, लैमडा टू यहां पर एल है. इस फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल से डिवाइड करेंगे तो न्यू टू इज टू टाइम्स न्यू वन. ठीक है, यहां तक दो मोड्स तक लिख देना सफिशिएंट है. तीन से समझाने के लिए बनाए थे. नेक्स्ट है पाइप. ऑर्गन पाइप है, क्लोज एट वन एंड ओपन एट अदर एंड है. ये दोनों इक्वेशन सेम है, ये भी सेम है, यहां तक भी सेम है, एम्पलीट्यूड तक सेम है. बाउंड्री कंडीशन डिफरेंट है. पाइप में एक्स इक्वल टू जीरो पे ये बंद है तो एम्पलीट्यूड यहां पर जीरो रहेगा और यहां पर एक्स इक्वल टू एल पे मैक्स रहेगा. तो जब आप बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं तो एम्पलीट्यूड में साइन जीरो इज जीरो कंडीशन सेटिस्फाई, क्योंकि एक्स को जीरो पुट करने पे एम्पलीट्यूड जीरो आना भी चाहिए और एल पुट करने पे ये मैक्सिमम आना चाहिए प्लस माइनस वन. ऐसा तब होगा जब ये साइन की वैल्यू क्या होगी? टू एन माइनस वन इंटू पाई बाई टू. यहां से एल की वैल्यू आ गई. फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में इनकी जगह वन पुट करेंगे तो आंसर लैम्डा बाय फोर आएगा. डायग्राम याद होने चाहिए. क्लोज ऑर्गन पाइप में एक एंड क्लोज एक एंड ओपन पे, यहां पर पक्का एंटी नोड है, यहां पर पक्का नोड है, तो पहला डायग्राम यही बनता है. तो इसमें लैम्डा वन की वैल्यू फोर एल है, न्यू वन बी बाई फोर एल है, ये फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आ गई. सेकेंड मोड का डायग्राम बड़ा आसान है याद करना. वैसे तो ये भी तरीका है, एन की जगह टू पुट कर दो तो ये टर्म आएगी. यहां से लैम्डा टू आ गया, न्यू टू वी बाई लैम्डा टू, ये न्यू टू आ गया, न्यू टू और न्यू वन से डिवाइड करके आंसर आ गया. डायग्राम याद करने का एक तरीका बताता हूं. पहले डायग्राम में एक लूप एक्स्ट्रा ऐड कर दो, एक पूरा लूप आंसर. अगले डायग्राम में अगर करना हो तो दो लूप्स एक्स्ट्रा ऐड कर दो, तो डायग्राम तो वैसे ही याद हो जाते हैं. पर दो मोड तक सफिशियंट है अगर आप लिख सकते हो. तीसरे मोड में एक वेव जाती है, टकरा के वापस आती है, क्योंकि ओपन पाइप है दोनों तरफ से, तो ये तो माइनस होगा पर ये माइनस नहीं होगा क्योंकि क्रेस्ट जाएगा, क्रेस्ट वापस आएगा. इन्हें सुपर इम्पोज करेंगे, सुपर इम्पोज करके ये एम्पलीट्यूड आ जाएगा. बाउंड्री कंडीशन में एक्स जीरो पे वाई मैक्स है, एक्स एल पे भी वाई मैक्स है क्योंकि ओपन पाइप है. तो जब मैं यहां पर एक्स को जीरो पुट करूंगा तो कॉस जीरो वन है, यानी कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, और जब मैं एल पुट करूंगा तो आंसर फिर से मैक्सिमम आना चाहिए प्लस माइनस वन. कॉस थीटा प्लस माइनस वन तब आएगा जब थीटा क्या होगा? एन पाई. यहां से एल की वैल्यू आ गई. एन इज इक्वल टू वन पुट करेंगे तो लैम्डा बाई टू. ओपन पाइप में यहां पे तो पक्का ही एंटी नोड है और बीच में क्या आएगा? नोड. ये पहला डायग्राम याद करना है, नहीं तो ऐसे कर लो. ये क्या है? लैम्डा बाई टू, तो लैम्डा बाई फोर, लैम्डा फोर मिला के क्या आ गया? लैम्डा बाई टू. डायग्राम वैसे ही ओरली याद हो जाते हैं कि डायग्राम कैसे बनते हैं इसके. सेकेंड मोड और लैम्डा वन क्या है? यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके टू एल. न्यू वन क्या है? वी बाय लैम्डा वन. फंडामेंटल आ गए. सेकेंड मोड में एन की जगह टू पुट करेंगे लैम्डा. पर ट्रिक बताता हूं डायग्राम बनाने का. जो पहला मोड था उसमें एक लूप ऐड कर दें, पहले मोड में बीच में लूप फंसा दें, ये डायग्राम बन गया, कुछ करना ही नहीं. तो
तो यहां से क्या आ गया, न्यू टू की वैल्यू वी बाई लैमडा टू, लैमडा टू यहां पर एल है, ये सेकेंड फ्रिक्वेंसी है, सेकेंड और फर्स्ट को डिवाइड करेंगे टू टाइम फंडामेंटल है। तो ये केसेस आपको लिखने हैं, और इसमें टेबल न्यूमेरिकल्स के लिए काम आएगा। ये मोड ऑफ वाइब्रेशन है 1 2 3 4, ये फंडामेंटल है स्ट्रिंग में, ये पाइप क्लोज एट वन एंड में वी बाई फोर एल और ओपन पाइप में वी बाई टू एल है। तो इसके अंदर जो ओवरटोन्स है उसकी काउंटिंग एक कम चलती है, तो अगर जैसे सेकेंड ओवरटोन है तो सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो फर्स्ट ओवरटोन है, थ्री है तो सेकेंड ओवरटोन है। तो ये फ्रीक्वेंसी न्यू वन है, ये टू न्यू वन है, ये थ्री न्यू वन है, ये न्यू वन है, ये थ्री न्यू वन, फाइव न्यू वन है, और ये वन टू थ्री है। इन मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी को हार्मोनिक्स बोलते हैं, ये सब हार्मोनिक्स हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल हमने ट्राई किए थे। बीट्स में जब दो वेव्स ट्रेवल करती हैं नियरली सेम फ्रीक्वेंसी, इन सेम डायरेक्शन ओवरलैप करती हैं, तो एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी साउंड की कभी हाई कभी लो होती है, फ्लक्चुएट करती है, जैसे एनिमेशन में की थी, इसको बोलते हैं बीट जनरेट हो गई। इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ बीट्स में एनालिटिकल या मैथमेटिकल मेथड आएगा, संडे को डाला है मैंने ये, तो पढ़ के आना है, ये बीट्स की जनरेशन डेरिवेशन आएगी, जिसमें वाई वन की वैल्यू आप लिखें, मान लो एक वेव है, तो एक वेव है लेफ्ट टू राइट की इक्वेशन लिख लें, लैम्डा वन को इससे मल्टीप्लाई कर लें, वी बाय लैम्डा वन ये वैल्यू लिख लें, सेकेंड वेव की इक्वेशन भी ऐसे लिख लें, इजी बनाने के लिए एक्स को जीरो पुट कर दें दोनों में, तो ये दो इक्वेशन आएंगी, दोनों को सुपर इम्पोज कर दें तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी, ये एम्पलीट्यूड आएगा। बीट में एम्पलीट्यूड या तो मैक्स होगा या मिनिमम होगा, पहला केस मैक्स का लिखें, तो ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तब होगा जब ये पूरी की पूरी टर्म क्या होगी, प्लस माइनस वन, ये टू ए गलती से आ गया, हटा दे, करेक्शन है। ऐसा तब होगा जब ये एंगल एन पाई होगा, यहां से टाइम की वैल्यू आ गई, तो टाइम की इतनी इतनी वैल्यूज पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। किन्हीं भी दो टाइम को माइनस करें तो टाइम पीरियड आ गया मैक्सिमा का, और रेसिप्रोकल लें तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई मैक्सिमा की। फिर मिनिमा का केस लिखें, मिनिमा में ये एम्पलीट्यूड, ये कॉस थीटा क्या आना चाहिए, जीरो। जीरो तब आएगा जब अंदर का एंगल 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 होगा, और ये टाइम का फॉर्मूला आएगा, 0 1 2 3 फुट फुट करके टाइम की वैल्यूज आ गई, किन्हीं भी दो टाइम को माइनस करके टाइम पीरियड ऑफ मिनिमा आ गया, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी आ गई, तो मिनिमा की फ्रीक्वेंसी भी सेम आ गई। अब बीट का मतलब होता है एक मैक्सिमा और एक मिनिमा, तो बीट फ्रीक्वेंसी भी कितनी आ गई, न्यू वन माइनस न्यू टू, यहां तक करके आम है, ठीक। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ बीट किया, ये पेपर में आएगा, डाला मैंने, पढ़ के आना, डिफरेंस बिटवीन ट्रैवलिंग एंड स्टेशनरी पे, जो किए थे तीन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में आ जाते हैं, ठीक, वेव की इक्वेशन, वेव की इक्वेशन के अंदर जो जैसे ये इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, 15-20 बच्चों से वेव की इक्वेशन से एम्पलीट्यूड नहीं निकाल पाए, खाली छोड़ दिया। तो ये वेव की इक्वेशन है, 2π बाहर है, तो 2π को पहले मल्टीप्लाई करके वेव की इक्वेशन ठीक करो। अब अपनी याद की हुई इक्वेशन लिखो, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस kx, तो t का जो कोफिशियंट है दोनों में कंपेयर करो, तो ओमेगा क्या है, 2π, और k की वैल्यू क्या है, 2π इंटू 0.005, ना k नेगेटिव होता है ना ओमेगा नेगेटिव होता है, दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं, याद रखना। तो आपके पास k आ गया, ओमेगा आ गया, तो k क्या होता है, ओमेगा बाई वी, यहां से वेलोसिटी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर। तो वेव की इक्वेशन का एक न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, ये तो टेबल के ऊपर बेस्ड है भाई, पाइप के क्वेश्चन, इसका तो कोई इलाज नहीं है, टेबल सामने रख के करना पड़ेगा। और इसमें जो बीट्स हैं, बीट्स के अंदर वैक्स वाला क्वेश्चन, कि अगर आपके पास दो ट्यूनिंग फोक हैं, एक की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 387 है, और नहीं नहीं एक की फ्रीक्वेंसी जो है, दोनों ट्यूनिंग फोक में नंबर ऑफ बीट 4 हैं, एक की फ्रीक्वेंसी 288 है, दूसरे की क्या होगी, दूसरे के ऊपर हमने वैक्स लगा दिया और नंबर ऑफ बीट्स कितनी रह गई, 2। तो कैसे सिखाया था, पहले फ्रीक्वेंसी, पहले नंबर ऑफ बीट 4 है, तो ये पहला ट्यूनिंग फोक है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी या तो 4 ज़्यादा या 4 कम, इन दोनों में से एक आंसर मार्क करना है, फिर वैक्स लगाना है, वैक्स लगाने से फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है,
एक नंबर ढूंढना है इनमें से ताकि इनका डिफरेंस कितना आ जाए, 2। अगर आ रहा है तो फिर 292 आंसर है, नहीं आ रहा तो यहां से चेक करना पड़ेगा, दोनों में से एक में तो पक्का आएगा तो वो आंसर होगा। ठीक है यहां तक?